हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भेजा था, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मोर ऑन विंडोज 7। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पर देखिए, मल्टीपल एडिशन ऑफ विंडोज 7, कंपोनेंट ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर, क्रिएटिंग न्यू फोल्डर्स, मेकिंग अ फोल्डर, फैब्रिक रिसाइकल बिन, विंडोज एक्सप्लोरर, ये सब कंटेंट है हमारे जो हम इसमें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, मोर ऑन विंडोज 7। तो विंडोज़ 7 है क्या, पहले हम ये जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र। तो विंडोज 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जो कि इंटरफेस के तरह काम करता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। यानी यूज़र हो गए हम और कंप्यूटर हो गया हमारा हार्डवेयर मशीन, तो उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। यानी इसके बिना हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, कोई सॉफ्टवेयर उस पर रन नहीं कर सकते। तो इट ऑल्सो मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड डज मैनी अदर थिंग्स। तो ये क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर के सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। विंडोज 7 इज ईजी टू यूज़ एंड कैन बी कस्टमाइज टू फिट इंडिविजुअल नीड्स। इट वॉज ऑफिशियली रिलीज इन अक्टूबर 2009 में ऑफिशियली इसको रिलीज़ किया गया था, विंडोज 7 को। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये निर्मित है और माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके एडिशंस कौन कौन से थे जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किए थे। द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ एडिशंस। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं वैरायटीज़ की, एडिशन के नाम है एक साइड में और उसका डिस्क्रिप्शन है। तो विंडोज 7 स्टार्टर, इसके लीस्ट फीचर्स थे और जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी सिर्फ उन्हीं को हमें प्रोवाइड किया गया था लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ विंडोज 7 स्टार्टर किट में। इसको स्टार्टर किट बोलते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, विंडोज 7 स्टार्टर किट। विंडोज 7 होम बेसिक, ये हमारा काफ़ी अच्छा था। और ये होम बेसिक, जैसा कि नाम है इसका, एक नॉर्मली ऑटोनोमस सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन ओएस था। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, न्यू फीचर्स इसमें बहुत सारे नहीं थे, मार्केटिंग फीचर्स के लैक था, यानी कमी थी। और इसके साथ साथ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होता था इसमें होम बेसिक में। तो बच्चों, ये जो एडिशंस हमें दिए जाते हैं ये हमारे कार्य के अनुसार बनाए जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कमी है। ये जो हमें चाहिए हम वो एडिशन इसमें से सेलेक्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान को अगर यूज़ करना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस पे काम करता हो, एक्सेल पे काम करता हो, उसके लिए स्टार्टर किट होम बेसिक ये सब बहुत है, उसका ज़रूरत नहीं है उसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या हाई फाई लेने का। फिर तो हमारा होम प्रीमियम, ये हमारे होम यूज़र्स के लिए बनाया गया था। इसमें मीडिया सेंटर, एरो, टच स्क्रीन कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी दी गई थी जो पिछले दोनों एडिशंस में नहीं थी। फिर आता है हमारा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल में देखिए, प्रोफेशनल बेसिकली ये डेवलपमेंट करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल में आता है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन तैयार बनाते हैं, वैसे जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं कंप्यूटर का, उनके लिए प्रोफेशनल सबसे बेस्ट होता है। फिर तो आपका एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में आपका बहुत सारे कुछ चीज़ें थी, जैसे मल्टीगनल यूज़र इंटरफेस पैकेजेस था इसमें, जिसमें बहुत सारे यूज़र्स एक साथ सपोर्टिंग कर सके को सपोर्ट करता था। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन दिया हुआ था, ये एक ड्राइव इंक्रिप्शन, इससे अपने ड्राइव को सिक्योर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर अल्टीमेट पे आ जाइए, अल्टीमेट बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो बिजनेस पर्पस हो गया, या स्कूल कॉलेजेस में आपके, और या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये एडिशन था विंडोज 7 अल्टीमेट। तो ये सारे आपके विंडोज़ के एडिशंस हैं और उनका छोटे रूप में मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। अब हम आते हैं और देखते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। वैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आप विंडो की और ई को दबाएंगे एक साथ तो आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। और वैसे आप स्टार्ट मेनू में जाकर भी विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो विंडो एक्सप्लोरर विंडोज़ यूज टू मैनेज योर लाइब्रेरीज, फोल्डर्स एंड फाइल्स कंटेनिंग नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस टू वर्क एंड फाइल्स एंड फोल्डर। विंडो एक्सप्लोरर में आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वहाँ पर आपको आपके फोल्डर्स शो करेगा, आपके ड्राइव शो करेगा, कौन सी ड्राइव बनी है आपकी, सी डी ई, फिर उसमें फोल्डर्स कौन कौन से हैं हर ड्राइव में, ये सब शो करता है वहाँ पे। और दूसरे तरीके, आप इसको जाके स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाके विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो आप इसको ओपन कर सकते हो। तो आपको पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है, फिर एक्सेसरीज पे जाना है और फिर विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, तो आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा।
इसका शॉर्टकट की है विंडो की के साथ ई को प्रेस करेंगे, विंडो की के साथ ई को अगर आप प्रेस करोगे तो आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये है आपका विंडो एक्सप्लोरर का डायलॉग। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, यहाँ पर दिया हुआ है बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, एड्रेस बार है ये आपका ऊपर का, फिर यहाँ पर आप देखोगे रिफ्रेश बटन दिया हुआ है, फिर यहाँ सर्च का ऑप्शन है, गेट हेल्प, हेल्प चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके मोर ऑप्शन देख सकते हैं कौन कौन से हैं, मेनू कंट्रोल है ना, नेविगेशन है, नेविगेशन यहाँ पर आप ड्राइव में जा सकते हैं किसी भी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। द विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, लेफ्ट पेन राइट पेन। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका लेफ्ट पेन है और ये आपका पूरा राइट पेन होता है। ये लेफ्ट पेन में आपको दिखाएगा कि आपके में क्या है, जैसे डेस्कटॉप की चीज़ें देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, डाउनलोड्स पे देखना चाहते हैं तो इस पर करिए, डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे करिए, है ना, रीसेंट प्लेसेस में देखना चाहते हैं कि अभी आपने क्या काम किया वो यहाँ पर मिलेगा आपको। फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, फिर आपके ड्राइव्स हैं जो बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका नेटवर्क का भी ऑप्शन यहाँ पर आता है, अगर आप किसी सिस्टम से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो उसको आप देख सकते हैं। तो लेफ़्ट पेन और राइट पेन मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या क्या होते हैं, एड्रेस बार, रिफ्रेश बटन, सर्च बॉक्स, नेविगेशन पेन, मोर ऑप्शन, गेट हेल्प, मेनू कंट्रोल बार, डिटेल्स पेन, बैक बोर बटन, फॉरवर्ड बटन, इन सब पे कुछ ना कुछ काम है। जैसे एड्रेस बार का क्या है कि उसमें आपका लोकेशन होता है करंट विंडो का, जो आपने ओपन किया फोल्डर उसका लोकेशन क्या है, किस ड्राइव में पड़ा हुआ, कौन सी ड्राइव में रखा हुआ है वो। रिफ्रेश बटन क्या होता है, आपका उसको फाइल फोल्डर को रिफ्रेश करने के लिए होता है। सर्च बॉक्स में आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको उस पर्टिकुलर फाइल का नाम नहीं पता या फोल्डर का नाम नहीं पता है तो आप अंदाजे से कुछ भी डाल के ए बी सी करके सर्च कर सकते हो, तो आप देख के याद कर सकते हो कि हाँ कौन सा था। नेविगेशन पेन में आपको जो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी उनमें आप क्लिक करोगे तो आपका जो राइट साइड का पेन है वो उस नेविगेशन पेन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। जैसे आपने सी में देखा तो सी का डिटेल दिखाएगा, डी में आपने क्लिक किया तो डी का दिखाएगा, ई पे किया तो ई का दिखाएगा, इस तरीके से बदलेगा। मोर ऑप्शन में आप कहोगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि एक्सप्लोरर का डिस्प्ले फाइल करने का तरीका क्या होगा, है ना, वो फोल्डर को किस तरीके से दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, लिस्ट साइड में दिखाएगा, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। हेल्प में आप उसके बारे में जान सकते हो। मेन्यू कंट्रोल बार में आप उसमें देख सकते हो, मेन्यू कंट्रोल बार ऑर्गेनाइज का एक बटन दिखेगा आपको वहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये ऑर्गेनाइज का बटन आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनाइज ये मेन्यू कंट्रोल बार है आपका, ये दिख रहा है आपको, और इसमें आप जा करके आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। फिर आप देखोगे तो अब आप आगे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डिटेल पेन, डिटेल्स पेन आपका राइट साइड में रहेगा, यहाँ पे नीचे देखोगे डिटेल्स पेन नीचे के साइड में, ये बैक साइड में आप देखोगे डिटेल्स पेन दिख रहा है आपको, ये आपका डिटेल बताता है, आप किसी फोल्डर पे माउस रखोगे तो वो आपको दिखाएगा कि क्या है ये, इसमें कितने फाइल्स पड़े हैं, क्या उसका डिटेल बताएगा। बैक बटन और फॉरवर्ड बटन आपको लेफ्ट साइड में ऊपर दिखाई पड़ेंगे, एरो की से बने हुए ऐसे। अब इसमें व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स, तो विंडोज 7 में फाइल्स और फोल्डर्स खुलना है तो आप जैसा कि मैंने बताया विंडो ही प्रेस करेंगे, मेनू आपका एक्सप्लोरर खुलेगा, उसमें आप किसी भी ड्राइव में जा कर के अपना फाइल और फोल्डर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करना है, बड़ा करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए आप ये मेनू है आपका, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन ड्रॉप डाउन खोलेगा और इसमें दिखाएगा आपको ये आपका यहाँ पर रहता है, ये यहाँ से क्लिक करोगे आप तो ये ऐसा खुलेगा और इसमें ये आपको पूरा डिटेल दिखाएगा, छोटा बड़ा लिस्ट डिटेल जैसा भी आपको रखना चाहते हो आप उसको स्लाइड करके रख सकते हो। लस लार्ज में आपको ऐसा दिखेगा, लार्ज रखना चाहते हो आप, इसमें स्मॉल रखना चाहते हो, मीडियम रखना चाहते हो, लिस्ट टाइप का दिखाना चाहते हो, डिटेल्स टाइप का दिखाना चाहते हो, जैसा आप दिखाना चाहते हो। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अपने बुक्स में, ये बुक्स में खाली आपको दिखाया गया है कि वो कैसा दिखेगा, डिटेल्स में आप देख सकते हो, डिटेल्स भी ऑप्शन है। तो इसमें ऐसा कुछ आपको
उसमें एक्टिव करके दिखाया नहीं है, आप खुद से इसको करके देखना तो आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क होता है। फिर न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना है। हाउ टू क्रिएट न्यू फोल्डर बहुत ही सरल है। आप न्यू फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऊपर देखिए, न्यू फोल्डर दिया हुआ है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ एरो दिया हुआ है, न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो आपका नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बाकी आप इस विंडो में यहाँ पे कहीं पर भी राइट क्लिक करोगे, न्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू पे जाकर भी आप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये आपका भी एक तरीका और मैंने बताया आपको। मूविंग अ फोल्डर, किसी फोल्डर को एक जगह दूसरी जगह करना है तो क्या करोगे, जैसे ये फोल्डर है सपोज कीजिए, इसको आप राइट क्लिक करके कट कर सकते हो, या कंट्रोल एक्स से आप इसको कट कर सकते हो और किसी और जगह पे जाके उसको पेस्ट कर सकते हो। तो पेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो। ये यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो या फिर कंट्रोल वी कर सकते हो, आप कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर सकते हो तो आपका फोल्डर वहाँ से हट के दूसरी जगह पर चला जाएगा। अब हम देखते हैं किसी फोल्डर को फेवरेट कैसे बनाना है। फेवरेट एरिया शोज एनी फोल्डर यू आर एडेड टू योर फेवरेट एज वेल एज एनी सेव्ड वन। फेवरेट एरियाज हेल्प यू टू एक्सेस फोल्डर और फाइल्स एज इजीली एज पॉसिबल एज द टॉप ऑफ द नेविगेशन पेन यू विल फाइंड द फेवरेट एरिया। फेवरेट एरियाज में क्या है कि किसी भी फोल्डर को अगर फेवरेट एरिया में डाल दे तो आसानी से आपको मिल जाएगा उसको, क्योंकि वो सबसे टॉप पर दिखाता रहता है, आपको ज़्यादा नेविगेट नहीं करना पड़ेगा फेवरेट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये फोल्डर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस फोल्डर को ड्रैग करके यानी माउस से उसको सेलेक्ट करके और माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए हुए रख के आप उसको खींच करके ले जा करके अगर उस फेवरेट वाले जगह पर छोड़ दोगे तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर डिलीटिंग अ फोल्डर, डिलीट करने के दो तरीके हैं। किसी फोल्डर को सेलेक्ट करिए, उसके बाद उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, या फिर उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए जो आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है। आप इस तरीके से किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। अब रिसाइकल बिन देखते हैं। रिसाइकल बिन एक ऐसा, जैसे आपको अगर ट्रैश या कूड़ादान होता है जिसमें हम जो भी चीज़ें डिलीट करते हैं वो सारी चीज़ें रिसाइकल बिन में चले जाती हैं, वो एक टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है किसी फोल्डर को तो रिसाइकल बिन में जा करके उस फोल्डर को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या सेलेक्ट करके डिलीट बटन को दबा के डिलीट कर सकते हैं। और अगर इससे भी अच्छा तरीका, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी फोल्डर आपका रिसाइकल बिन में ना जाए और परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उस फोल्डर को सेलेक्ट करिए और उस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, यानी फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और फिर शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फोल्डर रिसाइकल बिन में ना जा करके परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिसाइकल बिन का पिक्चर दिखाया हुआ है, आपको देख सकते हैं आप, रिसाइकल बिन आपको डेस्कटॉप में दिखेगा, आपके डेस्कटॉप में शो होगा। अब यहाँ पर देखिए एम्प्टी करना है रिसाइकल बिन को, तो क्या करोगे आप, रिसाइकल बिन को ओपन करोगे, वहाँ पे टॉप पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्टी द रिसाइकल बिन, यहाँ से आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो अपने रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करके और एम्प्टी कर का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको एम्प्टी कर सकते हो, रिसाइकल बिन को खाली कर सकते हो। अब आपका है एडिंग शॉर्टकट्स ऑन डेस्कटॉप। किसी भी डेस्कटॉप पे शॉर्टकट ऐड करना है तो क्या करोगे, आप किसी फोल्डर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, सेंड टू करना है, यहाँ पर देखिए सेंड टू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेंड टू करके और यहाँ से आपको डेस्कटॉप, यहाँ पे आपको दिखेगा डेस्कटॉप, यहाँ बगल में लिखा रहेगा क्रिएट शॉर्टकट, ये हो जा रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, पिक्चर क्लियर रहेगी आप बुक में। सेंड टू पे जा करके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फोल्डर का शॉर्टकट है या जो भी आपका एप्लीकेशन का शॉर्टकट होगा वो डेस्कटॉप पर आपको दिखेगा।
तो स्टूडेंट्स यहीं तक हम निमित हैं, हमारा यहाँ से चैप्टर ख़त्म होता है। समरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और एक्सरसाइज को खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं इसका PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उससे भी आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स नेविगेट फॉर चैप्टर 3। बहुत जल्द मिलेंगे हम चैप्टर 3 के साथ। बाय।